नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं करनाल के पंचायत भवन में, विकास सदन में, जहां पर हम आपको बता दें कि करनाल से एक बड़ी खबर ये आ रही है, जो नगर निगम के वार्डों की जो आरक्षित महिला सीट है उसके ड्रा जो निकाले जाने थे करीब 10 दिन पहले, उसकी जो है आज की डेट रखी गई थी और अभी अभी जो है ड्रा निकाल लिए गए हैं। और किस किस वार्ड से महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़ी होंगी उसके जो है ड्रा निकल चुके हैं। और सबसे पहले इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप ये लाइव खबर देख रहे हैं, हम आपको बताने वाले हैं किस किस वार्ड से करनाल नगर निगम से महिला सीट आरक्षित रहेगी, किस किस वार्ड से महिला उम्मीदवार लड़ेगी, इसके ड्रा निकाले गए हैं। इस समय करनाल की जो पूर्व मेयर है रेणुबाला गुप्ता, वो इस समय जो टीम की सदस्य भी थी और यहाँ पर मौजूद भी थी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज वार्ड निकाले गए हैं, किस किस वार्ड से महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे? आज पार्षदों के लिए महिलाओं की रिजर्वेशन के वार्ड निकाले गए हैं, जिसमें हमारे दो वार्ड जो बीसी के लिए हैं वो जनरल रहे हैं, 17 नंबर और 20 नंबर, और इसके अलावा 1, 6, 16 और 14 वार्ड जो एससी के लिए रिजर्व थे उसमें दो वार्ड हमने महिलाओं के लिए रिजर्व निकाले हैं, उसमें 14 और 6 वार्ड को महिलाओं के लिए रिजर्व निकाला है। इसके साथ साथ जनरल के लिए बाकी 14 वार्डों में से 3, 4, 8, 11 और 12 ये महिलाओं के लिए रिजर्व निकाला है। आपका कौन सा वार्ड है? मैं वार्ड का पार्षद का चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगी। तो हाँ जी, आपका वार्ड कौन सा है? 12 वार्ड, वो महिला में रहा है। हाँ जी, इस बार मेयर के लिए चुनावी मैदान की तैयारी मेयर के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि रेणुबाला गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कहा है कि वे मेयर पद के लिए चुनाव जरूर लड़ेंगी और जो उनका वार्ड है वो भी महिला सीट के लिए आरक्षित है। और अन्य पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। कृष्ण गर्ग हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज महिलाओं की दावेदारी किस किस सीट पर रहेगी, किस किस वार्ड से महिला चुनाव लड़ेगी, उस बारे में आज ड्रा निकाले गए हैं, कौन कौन से वार्ड हैं, क्या कुछ जानकारी करनाल के लोगों के लिए? सर, आज का जो ड्रा निकला है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, सभी पत्रकार जिसमें बीच में रहे, बिल्कुल सबके सामने ये ड्रा निकला है बड़ी पारदर्शिता के साथ। इसमें अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी वार्ड 12, जैसे 11 और 12 इकट्ठा हुआ तो 12 में मेरा जो पार्ट है 11 का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उसमें वार्ड नंबर 11 का बनाना आता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं वार्ड का इलेक्शन शायद ना भी लड़ने वाला था, जिकर वो प्रॉपर जनरल भी निकलता शायद मैं ना लड़ता। मैं अपनी पुत्र वधु को, जिकर सरकार भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद रहा, संगठन ने हमें आशीर्वाद दिया, तो मैं अपनी पुत्र वधु को भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मेयर का चुनाव लड़ा। तो सर, अब बात तो रही पार्षद की, अगर आप पुत्र वधु को चुनाव लड़ाते हैं क्योंकि महिला सीट आरक्षित है, मेयर के लिए भी महिला सीट आरक्षित है, तो क्या मेयर के लिए भी चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे आप? देखो, मैं ऑलरेडी सीनियर डिप्टी मेयर करनाल रह चुका हूँ, आने वाले समय में ऐसा अभी तक नहीं सोचा कि मैं अपने पुत्र वधु को पार्षद का चुनाव लड़ाऊँ। हम सिर्फ यही चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट दे, हर मुंह पे हम करनाल के नेतृत्व करें, मेरी पुत्र वधु के माध्यम से हमारे, मैं भी समाज सेवा में विश्वास रखता हूँ, वो अपना काम करें, हम अपना मिलजुल के मेयर का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको बताएं कि कई उम्मीदवारों की उम्मीदों पर जरूर हालांकि पानी फिरा है जरूर है, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे अगर उनका वार्ड महिला आरक्षित हो गया है तो वह वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और तितोरिया जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व पार्षद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन कौन से वार्डों में आज महिला सीट आरक्षित की गई है, क्या कुछ जानकारी? पहले तो रिजर्व है ना, सबसे पहले 16 नंबर वार्ड निकला है उसमें महिला के लिए है, वो पहले आरक्षित है इसी के लिए। उसके बाद 6 नंबर वार्ड, क्योंकि 6 नंबर वार्ड से मेरी पुत्र वधु लड़ेगी। अब 14 वार्ड जो है, 14 वार्ड से भी हमारा उसमें रिजर्व ही है, वहाँ से विनोद तितोरिया लड़ेगा। एक वार्ड है वहाँ का तो मुझे पता नहीं कौन लड़ा कौन नहीं। बाकी आज पारदर्शिता बिल्कुल काम हुआ, अफसर जितने भी आए हुए थे उन्होंने सब ने कह दिया भी कोई भी जो ये अपने हमारे सरकार हरियाणा सरकार ने बना रखे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तीन बंदे यहाँ लाठी खोल सकते हैं, सबके सामने लाठी सिस्टम हुआ है, इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, मैं इससे बहुत खुश हूँ। रहा जिसे भी कांग्रेस टिकट देगी वार्ड में देगी या मेयर का देगी, हम उसका पूरा साथ देंगे, उसे जीता के लाएंगे। हमेशा से आरोप लगाए गए हैं वार्डबंदी को लेकर, आज आपका वार्ड शायद हालांकि सुरक्षित रहा है, अगर आपका वार्ड भी महिला में चला जाता तो शायद आप आरोप लगाते? वो तो नहीं, हाँ अगर जो अंधेरे में काम होता जैसे कि पहले होता रहा है वो उससे तो फिर भी, मगर ये मेरे मुझे अब कोई इतराज नहीं है, मेरी 14 वार्ड से पूरी तैयारी, 14 वार्ड से तुरंत इलेक्शन लड़ूंगा। और आने वाले समय में मुझे दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ना तो यहाँ मेयर बनेगा ना यहाँ पार्षद बनेंगे, हरियाणा का मुख्यमंत्री यहाँ से जो विधायक है इन्हें पूरी मार्गी खानी पड़ेगी। इस इलेक्शन में ही
निगम के, और इसमें पूरा पता चल जाएगा मेयर वाले में। पांचों जगह से मुझे उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट। तो ये आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद का एक अलग बयान है, उनका कहना है कि कोई भी मेयर बीजेपी का नहीं जीतेगा, कोई भी पार्षद नहीं जीतेगा। बहरहाल आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब जिन वार्डो से महिला सीट आरक्षित की गई है और जो वहां से कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाह रहे थे, हम आपको बताएं जो करनाल में रेणुबाला गुप्ता वाला वार्ड है वो महिला सीट आरक्षित है। इसलिए कृष्ण गर्ग द्वारा ये कहना है कि वह हो सकता है शायद अपनी पुत्र वधु को चुनाव लड़ाए। और अन्य पार्षद हमारे साथ है, सुदर्शन कालड़ा जी हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक तरीके से पर्ची निकली है जी, कोई इतराज नहीं। जनरल वार्ड है, 3, 4, 8, 11, 12। कौन कौन से हैं, कौन कौन से इलाका पड़ता है 3 में? ये 3 में तो फूसगढ़ वाला पड़ता है जी, फूसगढ़ वाला जी। 4 में करम बिहार वाला जी, और 8 नंबर में सेक्टर 6 वाला जी, और 11 नंबर मालटाउन जी, और 12 नंबर ये जो रेणु गुप्ता का पहले वार्ड। तो ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 3, 4, 8, 11, 12 जी। तो ये कहते हैं कि वार्ड नंबर 3, 4, 8, 11, 12 ये 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12 जहां से महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अगर यहां से जो पार्षद चुनाव लड़ने की सोच रहे थे तो वो कहीं ना कहीं अपनी धर्मपत्नी को, अपनी पुत्र वधु को चुनाव लड़वाएंगे। अन्य जो इस समय आने वाले समय में पार्षद की चुनाव लड़ने की जो सोच रहे हैं उनसे जानना चाहेंगे। पोसवाल जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन किन वार्डों को महिला सीट आरक्षित किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज जो निगम के द्वारा जो ड्रा निकाला गया है उसमें हमारा दुर्भाग्यपूर्ण हमारा वार्ड SC के लिए रिजर्व हो गया है। पर जब उनकी लोकतंत्र में देखिए यही मजबूती है लोकतंत्र की, अगर वार्ड SC के लिए गया है तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, और जो भी वहाँ से पार्टी की तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा हम उसको जिताने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हमने वहाँ पे पहले भी काम कराए हैं और आगे भी लोगों के बीच काम को लेके जाएंगे। हमारा वार्ड नंबर 1 था जो पिछली बार BC के लिए रिजर्व था, और अब की बार जो नई उसमें आया हुआ SC के लिए। आप भी कर रहे थे काफी टाइम? नहीं बिल्कुल, हम देखिए बिल्कुल जो चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे हम वहाँ पिछले काफ़ी समय से, लोगों के काम भी करा रहे थे और लोगों से इस चीज़ के लिए भी था कि हमने चुनाव लड़ना है। पर कहीं ना कहीं 80 रिजर्व होने के कारण हम किसी अपने ही किसी बंदे को वहाँ से चुनाव लड़ा। 80 रिजर्व हुए हैं, वार्ड नंबर 1, 6, 14 और 16 ये 80 के लिए रिजर्व हुए हैं, जिसमें 6 और जो 16 है वो लेडीज 80 के लिए हैं, और 1 और जो है ये अपना जनरल 80 के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये आपने देखा कि काफी उम्मीदवार हैं, सैनी जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस या फैसले का स्वागत करते हैं? आपका कौन सा वार्ड था, आप कहां से चुनाव लड़ने की सोच रहे थे? मैं वार्ड नंबर 15 से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा, जेंट्स हो गए, ओपन है मेरा वार्ड। तो आपकी किस्मत जागी है? हाँ जी, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत जागी है, या यूं कहें कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे शायद उनके आगे उनका जो मैदान है वो साफ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें समय करनाल के पंचायत भवन की देख रहे हैं, जहां पर नगर निगम की तरफ से आज ये ड्रॉ निकाले गए थे। और आप देख सकते हैं कि जिन जिन वार्डों से महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी उनके आज यहाँ पर ड्रॉ निकले थे, जो जो वार्ड SC हैं उनके भी यहाँ पर ड्रॉ निकाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जरूर है करनाल के लिए। हम जाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि जो जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं उन तक ये प्रॉपर जानकारी जो है जरूर पहुंचनी चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।